जनपद हापुड़ के तीनों तहसील क्षेत्र में पिछले दो माह से अब तक करीब एक दर्जन से अधिक चोरी की घटनाओं को चोर अंजाम दे चुके हैं और पुलिस एक भी घटना का खुलासा नहीं कर सकी है, जिस कारण जनपद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और आए दिन घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। आपको बता दें कि बीती रात्रि थाना हाफिजपुर क्षेत्र के गाँव रामपुर निवासी भाजपा नेता व पूर्व प्रधान निगज चंद्र शर्मा के मकान में दीवार फांदकर चोर अंदर घुसे और वहां कमरों के ताले तोड़कर 1 लाख की नकदी करीब 15 लाख रुपए आभूषण चोरी करके ले गए। इससे एक सप्ताह पूर्व थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी स्थित एक बंद मकान का ताला तोड़कर चोर लाखों रुपए की नकदी करीब 7 से 8 लाख के जेवर पर चोरों ने हाथ साफ किया। जनपद हापुड़ से उमेंद्र सिंह तेवतिया की रिपोर्ट। जाने का कोई समय में 4 बजे लगा लो, 4 बजे आया था बेटा, उसने देखा सारे ताले खुले पड़े, फोन करे कि भाई ऐसे ताले खुले हुए, देखा तो फिर उसके बाद देखा तो सब सेफ खुली हुई है, सब डिब्बे, सब जेवर गहना, सब नकदी थी, सब कुछ। तो लगभग कितने की चोरी होगी है, कितने लाख की चोरी? तो 10-12 लाख की है। तो क्या क्या इसमें चोरी हुआ? और ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि अंदाजा नहीं लगाया जा रहा कि भाई छोटे छोटे भी बहुत सामान होते हैं, ये तो भारी भारी जो जेवर है उसका बताया जा रहा है। तो ये कौन से गांव में की घटना है? ये रामपुर की है, हापुड़ से जुड़ा हुआ रामपुर है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 8445657566।